फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे ऐसे कटवर्क वाली एम्ब्रॉयडरी होती है, इसे हम बुकरम के साथ या पेस्टिंग पेपर के साथ कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। देखिए, इस तरह से जो हमारी कुर्ती के नीचे, घेरे के नीचे इस तरह से जी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो सबसे पहले हम नीचे से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमने ये एक पेस्टिंग पेपर लिया है, इसकी जगह पर आप बुकरम का यूज भी कर सकते हैं। ये हमारी 2 इंच चौड़ी है, तो जहाँ से जो हमने इसे हमने कुर्ते के साथ मैचिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और जहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक को हम इस तरह से अंदर की साइड टर्न करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए, अब इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है इसे हम इस तरह से उल्टा कर कर इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, इस तरह से उल्टा कर कर इसके ऊपर रखते हुए ऐसे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जैसे हमारे कट वर्क ड्रॉ किए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, सेम हम उसी तरह से ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बहुत ही धीरे धीरे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ। देखिए, इस तरह से हम सारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ऐसे सिलाई लगाने के बाद इस सिलाई को हम डबल करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को डबल कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। और कॉर्नर के ऊपर हम इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान रखें, जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे। देखिए, इस तरह से नोचेस लगाने के बाद इसे हम इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए, इस तरह से अच्छे से सीधा करने के बाद इसे हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस के साथ इसमें और भी फिनिशिंग आएगी। देखिए, इस तरह से जो हमारे कटवर्क ड्रॉ हो चुके हैं और इन्हें हमने प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। अब हम जहाँ से एक हाफ सिलाई लगाएंगे, इस सिलाई को हम तरपाई करने के बाद खोल देंगे। देखिए, इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे कटवर्क ड्रॉ हो चुके हैं और नीचे हम तरपाई कर लेंगे।
नीचे देखिए, इस तरह से वो थे फिनिशिंग के साथ जो हमारे कट वर्क बन चुके हैं। अगर आपकी स्लीव के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है तो आप सेम तरीके के साथ उन्हें इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे इस तरह की स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।